नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे JDK को इंस्टॉल किया जाता है, ओके, और कुछ इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने दोस्तों नेटबीन्स को भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये हम लोगों ने जाना था, ओके। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है नेमिंग कन्वेंशन पे, ओके, कि जावा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। क्लास यूज़ करते हैं, ओके, उसके बाद इंटरफेस यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, पैकेज यूज़ करते हैं, ओके, तो इन सभी को लिखना कैसे है, ओके, कौन से लेटर यूज़ करना है, कब कैपिटल यूज़ करना है, कब लोअर केस यूज़ करना है, लोअर केस और कैपिटल को कैसे, अपर केस को कैसे कंबाइन करना है, ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ओके दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर नेमिंग कन्वेंशन इज अ रूल टू फॉलो एज वी डिसाइड व्हाट टू नेम आवर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर दोस्तों वेरिएबल्स को ही हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर बोलते हैं, चाहे वो वेरिएबल, चाहे आप क्लास का नाम लिख रहे हो, चाहे इंटरफेस का नाम लिख रहे हो, ओके, चाहे आप मेथड का नाम लिख रहे हो, चाहे कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ओके, तो उन सभी को हम लोग एक ही वर्ड में बोलते हैं दोस्तों, कन्वेंशन, सॉरी आइडेंटिफायर बोलते हैं, ओके। तो अब ये जो नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, ये जो है एक रूल है, ओके, और रूल को फॉलो करेंगे तो हमेशा क्या होता है आपके लाइफ में, आप आगे ही आगे बढ़ जाते हैं। रूल को आप ब्रेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको दिक्कतें आने लगती हैं, ओके। तो अब जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कन्वेंशन है, ओके। अगर बात करें जैसे टू स्ट्रिंग, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये मेथड है, और टू स्ट्रिंग जो नीचे लिखा हुआ वो भी एक मेथड है, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ऊपर वाला दोस्तों, कि पहला लेटर कैपिटल में है और जब दूसरा वर्ड आ रहा है, ओके, तो सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये मेथड है। जबकि डॉट नेट में ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग करना है कैपिटल से, अगर दूसरा वर्ड भी आ रहा तो भी किस में रखना है दोस्तों, उसको कैपिटल में ही रखना है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में दोस्तों हम लोग कैमल केस का जो कन्वेंशन होता है उसको फॉलो करते हैं, ओके। तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो है, अब देखिए, अब ये कन्वेंशन जो है, रूल जो है, फॉलो करने से फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चल रहे हैं तो होता क्या, बाएं साइड चलना है, ये नियम है, ओके। आप बोले नहीं, हम तो दाएं साइड चलेंगे, दाएं साइड चलिए, नो डाउट आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर कुछ एक्टिविटी होता है, सपोज कीजिए आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग बोलेगा बेवकूफ़ आदमी था, है ना, बाएं साइड चलना चाहिए, उसको पता था फिर भी दाएं साइड चल रहा था, गलती इसी की है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बोलेगा आपको, यानी आपके लोगों साथ नहीं देगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो, यानी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। तो दोस्तों कन्वेंशन इसलिए बनाया गया है कि रूल को फॉलो करें। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वेंशन यू मेक योर कोड ईजियर टू रीड फॉर योर सेल्फ, ओके, फॉर अदर प्रोग्रामर्स। यानी जैसे मान लीजिए आप रोड पे बाएं साइड चलना है, ठीक है, तो बाएं साइड चल रहे हैं तो अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं मैं दाएं साइड चलूंगा, तो आप खुद के लिए भी खतरा क्रिएट किए हैं और दूसरों लोगों के लिए भी खतरा क्रिएट किए हैं, ओके दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, ठीक है, आपने सिखाई नहीं, सीधे रोड पे उतार दिया, जीटी रोड पे या फिर नेशनल हाईवे पे, तो आप खुद के लिए तो खतरा मोल लिए ही लिए हैं, ओके, साथ ही साथ आपके वजह से दूसरे लोग भी क्या आ जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ओके, कि रूल्स कन्वेंशन इसलिए बनाया गया है। तो जैसे क्लास जनरली हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे सारी बातें क्लास के अंदर ही होनी है। क्लास क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, ओके। तो क्लास का नाम जब भी लिखें दोस्तों, वेन एवर यू राइट क्लास नेम ऑलवेज फॉलो अ रूल विच इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, ओके, एंड इफ दैट वर्ड कंटेन मोर देन वर्ड, जैसे रेक्टेंगल टेस्ट, देन आर विल बी कैपिटल, एंड वेन अ वर्ड चेंजेज, ओके, तो सेकेंड वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल होगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा आपको, ओके, वही मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखा है, मैंने लिख रखा है, शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर, एंड इफ द नेम इज चेंजिंग वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड विल बी इन कैपिटल लेटर, अ नाउन इज हैज स्ट्रिंग कलर बटन सिस्टम थ्रेड फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सेकेंड, जैसे पहला लेटर भी कैपिटल है, जैसे वर्ड चेंज हो रहा है दोस्तों आपका
दूसरा वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल है। अगर ये तीन लेटर का होता, सॉरी तीन वर्ड का होता, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट का एफ बड़ा होता, सेकेंड का एस बड़ा होता, थर्ड का टी भी बड़ा होता, रेक्टेंगल। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार ये फॉलो करना है, यानी आपको हमेशा क्या करना है, जब भी प्रोग्रामिंग करें तो क्लास का नाम आपको हमेशा कैपिटल से ही लिखना है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आप स्मॉल भी लिख दीजिए, रन तो कर जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन एपीआई को समझने में दिक्कत है, क्योंकि जावा का एक रूल होता है। ओके, जैसे मान लीजिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ का कुछ रूल्स है, यू हैव टू फॉलो डैट, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा आपको, हो क्या रहा है आपके साथ, तो रूल ज़रूरी है इसलिए दोस्तों। ओके, अगला जो है इंटरफेस है, इंटरफेस की अगर बात करें तो ये भी देखिए डॉट जावा फाइल ही होता है, क्लास यहाँ सारी जो फाइल होंगी डॉट जावा की ही होंगी। ओके, तो इंटरफेस का नाम भी ये क्लास के नेम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा दोस्तों, वो भी आपको क्लास का नाम कहीं फॉलो करना है। ओके, अपर केस लेटर एंड बी एडजेक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो क्वालिटी शो करे, ऐसा कुछ इंटरफेस का नाम हम लोग देते हैं जनरली। मेथड नेम के लिए क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर केस लेटर, और इफ वर्ड चेंजेस देन द सेकेंड देन द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड मस्ट बी इन कैपिटल। ओके, मस्ट बी इन कैपिटल, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, उसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे यहाँ देखिए एक्शन परफॉर्म, एक्शन का ये छोटा है लेकिन परफॉर्म का पी बड़ा है, मेन एक ही वर्ड का है, तो आपको एस वन में ही लिखना है, प्रिंट प्रिंट एलन। उसी प्रकार और भी आप यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने ऐड कर दिया एरिया ए आर, एक ही वर्ड का है तो कोई सोचना ही नहीं है। ओके दोस्तों, अगर एक से ज़्यादा वर्ड का रहेगा, जैसे रेक्टेंगल एरिया, ओके तो रेक्टेंगल स्मॉल में एरिया का ए बड़ा हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर बात करें फाइनल वेरिएबल का, तो फाइनल वेरिएबल जब भी बनाए दोस्तों हमेशा कैपिटल में लिखना है और वैल्यू देना है, ये ध्यान रखें हमेशा कैपिटल में होगा। ओके, सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, हमेशा कैपिटल में होगा फाइनल वेरिएबल जो भी लिखे, जैसे यहाँ देखिए फाइनल इंट काउंट, काउंट में मैंने सारे लेटर दोस्तों मैंने कैपिटल लिखे हैं, तो आपको भी कैपिटल लिखना है। पैकेज नेम, पैकेज क्या होता है, पैकेज एक तरीके से कह सकते हैं फोल्डर होता है, पैकेज क्या होता है दोस्तों, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारे जावा फाइल सेव करेंगे, डॉट क्लास फाइल फीस सेव होती है उसके अंदर, एक्चुअली में पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स, यानी जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बाइट कोड। ओके दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। ओके दोस्तों, तो उसी का कलेक्शन होता है किसी फोल्डर के अंदर, देन दैट फोल्डर विल बी ट्रीटेड एज अ पैकेज इन जावा। पैकेज दोस्तों कीवर्ड भी होता है। ओके, कीवर्ड क्या होता है दोस्तों, वो तो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, जिसका मीनिंग जो है ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग कन्वेंशन पे रहेंगे। ओके दोस्तों, कॉन्स्टेंट वेरिएबल नेम जब भी डिक्लेयर करें तो मैंने बता ही दिया कैपिटल में ही लेना है, कैपिटल में ही लेना है, सारे लेटर कैपिटल लेना है। हाँ, अंडरस्कोर दोनों वर्ड के बीच दे सकते हैं। ओके, जैसे काउंट नंबर, काउंट अंडरस्कोर नंबर, ऐसा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे काउंट के साथ मुझे नंबर भी देना है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप नंबर दे दीजिए, एन यू एम बी ई आर, तो ये सही है दोस्तों। ओके, लेकिन लिखना कैपिटल में ही है फाइनल वेरिएबल को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फाइनल एक तरीके से क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करता है, सी ओ एन एस टी कॉन्स को हटा के दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनल यूज करते हैं, मतलब वही है कि अगर आपने वेरिएबल में वैल्यू दे दिया तो इसकी चेंज नहीं होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे दोस्तों कैमल केस का मतलब क्या होता है, कैमल केस का मतलब वही है कि पहला लेटर करेंगे स्मॉल से स्टार्ट, ओके, और वर्ड चेंज होता है तो फिर कैपिटल कर देंगे। अगर क्लास की अगर बात करें तो पहला लेटर से ही कैपिटल में करना है, प्री डिफाइन जितने भी क्लासेस मिलेंगे, जितने भी इंटरफेस मिलेंगे आपको, ओके दोस्तों, वो सारे के सारे जो हैं आपको कैमल केस को फॉलो करेंगे, यानी वर्ड स्टार्ट होगा कैपिटल से, फिर अगर सेकेंड वर्ड आ रहा है तो भी फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड विल बी इन कैपिटल। पैकेज नेम हमेशा दोस्तों स्मॉल में ही होते हैं, हाँ डॉट लिख सकते हैं, जैसे जावा डॉट लैंग, ओके, तो जावा वी स्मॉल में, लैंग वी स्मॉल में, बीच में डॉट। ओके, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जावा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपका अंदर क्या है, एक और लैंग नाम का फोल्डर है, उसी पर अगर जेवैक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी, ओके, तो जेवैक्स फोल्डर हुआ दोस्तों, सर्वलेट एक उसके अंदर फोल्डर हुआ, और एच टी पी दोस्तों सर्वलेट का भी अंदर फोल्डर हुआ। ओके, इस प्रकार हम लोग जब भी पैकेज बनाते हैं तब देते हैं। ओके दोस्तों, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं इसको, ठीक है, और जो समझते हैं हमें क्या करना है, उससे पहले तो
आप cmd ओपन कर लें। हमने फोल्डर बना लिया था लर्नर्स अड्डा दोस्तों, तो हमने सबसे पहले cmd ओपन कर लेते हैं। cmd हमने ओपन कर लिया और इंटर। ओके दोस्तों, और चलते हैं हमारा डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया है। टाइप प्रेस करते रहिए दोस्तों, टाइप प्रेस करने से क्या होगा आपका, जब तक तो फोल्डर नहीं आ जाए। फिर यहाँ पे cd में तो चेंज डायरेक्टरी, एल लिखिए लर्नर सड्डा, देखिए अभी लारा वाला है, इसको दोबारा टाइप प्रेस कीजिए, लर्नर सड्डा आ गया, इंटर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो जब भी आप वेरिएबल लें, जब भी आप क्लास लें, तो ये आपको फॉलो करना है। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले एक नोटपैड बनाया है, note नोट पैड pad नोट पैड, ठीक है। और मैंने एक टेस्ट या डेमो नाम का demo डेमो डॉट जावा। ओके दोस्तों, आप डायरेक्ट उस फोल्डर में भी जाकर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और अब यहाँ पे मैंने क्लास बनाया CLAWS क्लास। ओके दोस्तों, और जावा क्या, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके दोस्तों, मतलब अपर और लोअर में यहाँ पर डिफरेंस होती है। demo डेमो, ओके दोस्तों। और अब ध्यान रखना कि आपको जिस नाम से आप दोस्तों सेव करते हैं ओके फाइल को, क्लास भी आप उसी नाम से बनाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कंपाइल करने रन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो सेव आप किसी और नाम से करेंगे, क्लास किसी और नाम से बनाएंगे, तो जब आप कंपाइल रन कराएंगे तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस हो जाती है। ओके, डिफरेंस क्या होता है, जिस नाम से आप सेव करते हैं दोस्तों उस नाम से कंपाइल किया जाता है, और जिस नाम से दोस्तों आप क्लास बनाते हैं जिसके अंदर मेन होता है, मेन मेथड होता है दोस्तों ओके, उस नाम से रन कराया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिस नाम से फाइल को आप सेव करते हैं उस फाइल से कंपाइल किया जाता है उस नाम से, और जिस नाम से आपका क्लास का नाम होता है उस नाम से दोस्तों फाइल को रन कराया जाता है। इस चीज़ को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सपोज कि अभी तो मैंने दोनों सेम ही रखा है ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा public पब्लिक static void main, ये हमारा मेन मेथड है दोस्तों। और इसके अंदर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग string स्ट्रिंग args ओके दोस्तों, और हमने यहाँ पर लिखा system system.out.println प्रिंट, प्रिंट एलन नहीं लिखा, इस और प्रिंट यूज कर रहा हूँ। प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या है, न्यू लाइन का फर्क होता है दोस्तों ओके। और मैंने लिख दिया हेलो इंडिया INDIA ओके दोस्तों, और हमने सेव कर लिया, इसको स्केप कर देते हैं ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं गया यहाँ पर, आ गए कहाँ पर, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और हमने इसको रन कराया। कैसे रन कराना है दोस्तों, जावा सी लिखते हैं हम लोग, java जावा सी और इंटर। उसके बाद हमने यहाँ पर, अब देखिए चूंकि मैंने कंपाइल रन सेमी किया था, और देखिए रन कर रहा है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने क्या किया, इस फाइल को सेवेज कर रहा हूँ। फाइल में गया, सेवेज किया और नाम दे दिया, देखिए डेमो है, और डेमो TEST.java उसी फोल्डर में करना है दोस्तों, लर्नर्स अड्डा वाले फोल्डर में। तो हम आ गए लर्नर्स अड्डा, ये रहा फोल्डर के अंदर हमने, और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लीजिए, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्लास का नाम हमारा क्या है, डेमो, और हमने सेव किया है डेमो टेस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप जब इसे कंपाइल करेंगे तो डेमो टेस्ट से कंपाइल करेंगे, और लेकिन जब रन कराएंगे तो डेमो से कराएंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि क्लास फाइल जो क्रिएट होगी आपकी वो डेमो डॉट क्लास ही क्रिएट होगी। यहाँ पे देखिए जावा सी में अब आपको डेमो टेस्ट लिखना है, TEST टेस्ट। ओके दोस्तों, कंपाइल हो गया आपका, देखिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप मान लीजिए जब इसी से आप रन कराएंगे ओके, इसी से आप रन कराएंगे तो क्या लिखेगा, नो मेन मेथड फाउंड, यहाँ देखिए कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास डेमो टेस्ट, क्योंकि इस नाम का कोई क्लास बना ही नहीं है दोस्तों, इस नाम का कोई क्लास बना ही नहीं। क्लास किस नाम से बना है, डॉट, जब बाइट कोड में जो कन्वर्ट हुआ है तो किस नाम से बना है, डेमो डॉट क्लास से बना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने अगर देखेंगे यहाँ पर आपने क्लास का नाम दिया है डेमो, यानी आप जब रन कराएंगे दोस्तों तो डेमो से रन कराएंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा जावा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा JAVA जावा
और डेमो डी ई एम ओ डेमो। ओके दोस्तों यहाँ पर डेमो अब आपका रन कर जाएगा, देखिए हेलो इंडिया आ रहा है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली जिस नाम से सेव करते हैं उसी नाम से दोस्तों क्लास बनाते हैं, समस्या ही नहीं रहेगी। ओके ये ध्यान देना है। या फिर ऐसा भी गलती हो जाती है कभी कभी कि क्लास का नाम हमने कैपिटल में दे दिया और सेव किया है लोअर केस लेटर में, तो भी दिक्कत आ जाती है। ओके एक दिक्कत क्या आती है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेमो टेस्ट टी ई एस टी डेमो टेस्ट, और मैंने सेव जो किया हूँ सेव एज, मैं बता रहा हूँ यहाँ देखिए डेमो टेस्ट में मैंने डी छोटा लिख दिया है। ओके दोस्तों डेमो टेस्ट मैंने क्या किया, छोटा कर दिया है और डॉट जावा सेव। ओके तो ये फाइल नो करता हूँ मैंने यहाँ पे, या स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया कंट्रोल एस। ओके दोस्तों और सेव कर दिया, ठीक है। तो नाम किसी और से सेव है, देखिए भले ही अपने क्लास किसी और नाम से लिखा है, सेव किसी से किए हैं, रन तो कर जाएगा दोस्तों, लेकिन ये कन्वेंशन सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशन ही फॉलो करना है। ओके दोस्तों रन कराइएगा अगर, तो देखिए जावा सी डेमो टेस्ट डबल टी, और हमने क्या किया यहाँ पर दोस्तों डी लिख दिया डेमो, और यहाँ पर हमने डबल टी दे दिया डॉट जे ए वी ए और इंटर। ओके दोस्तों तो नोड जो है आपका, अच्छा जावा कंपाइल करना था हमें पहले, तो हमने पहले यहाँ पर कंपाइल कर लिया, अब इंटर कंपाइल तो हो गया दोस्तों। देखिए भले ही आप छोटा में लिखे हो कैपिटल में लिखे हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कन्वेंशन फॉलो करना है। ओके आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कन्वेंशन फॉलो करना है। ओके दोस्तों तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया डेमो टेस्ट डी ई एम ओ डेमो टी ई एस टी डेमो टेस्ट इंटर, तो ये रन कर रहा है दोस्तों। ओके आप कुछ और भी ऑपरेशन करना चाहें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको सेव एज करके वापस प्रॉपर नेम कर देता हूँ दोस्तों डेमो टेस्ट नाम से। ओके प्रॉपर दिखे ये डी। ओके दोस्तों यस कर दिए रिप्लेस यस कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कुछ भी ऑपरेशन करना चाहें, सपोज कि आप कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 23 बी इज इक्वल टू 34 और हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने दिया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा यहाँ स्पेस देकर प्लस। यहाँ पे दोस्तों अगर स्ट्रिंग के साथ देखिए डबल कोट्स में कुछ लिख रहे हैं तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये स्ट्रिंग कहलाता है, और ये जब प्लस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ इसको बोलते हैं कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ओके दोस्तों वापस हम आ गए नोट पैड पे, सॉरी कॉन प्रॉम्प्ट पे, जावा सी डेमो, और हाँ यहाँ तक जब भी कोड में चेंज करें तो कंपाइल करें और फिर रन करें, देखिए आ गया आपका 57। ओके दोस्तों तो दोस्तों इस और वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं, आज हम लोगों ने सीखा जावा कन्वेंशन के बारे में। ओके दोस्तों तो आई होप कि आप लोग जावा कन्वेंशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।